बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने आज एनएमएमसी आयुक्त अभिजीत बांगर से मुलाकात की और नवी मुंबई की नागरी समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। इनमें हॉस्पिटल के लिए मंजूर हुए सिडको भूखंड को शीघ्र आवंटित कराने और कोरोना के नए खतरे के मद्देनजर जरूरी इंतजाम करने जैसी मांगे प्रमुख रही। मंदाताई मात्रे ने नवी मुंबई को स्वच्छता मिशन में नंबर 1 पुरस्कार मिलने पर आयुक्त का सत्कार भी किया। देखे रिपोर्ट। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे ने आज नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ मुलाकात की और तेजी से बढ़ रहे कोरोना को रोकने जरूरी इंतजाम करने की मांग की। उनके साथ आए जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत, सुनील पाटिल और डॉक्टर जयाजी नाथ ने अपने वार्डों की नागरिक समस्याओं की ओर आयुक्त का ध्यान दिलाया और समाधान की अपील की। इस दौरान सिडको द्वारा हॉस्पिटल के लिए मंजूर 8 एकड़ के भूखंड के शीघ्र आवंटन का मुद्दा सबसे अधिक चर्चा में रहा। विधायक मंदाताई मात्रे ने कहा कि नवी मुंबईकरों के हित के लिए बड़े और एडवांस हॉस्पिटल के लिए ऐसे भूखंड की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए पेमेंट भुगतान कर शीघ्र आवंटन कराने का सुझाव दिया। कमिश्नर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। नए साल में अपने को हॉस्पिटल को और लाइब्रेरी को, महिला भवन, बाल भवन को आगे लेके जाना है। बहुत सारे कॉरपोरेटर के प्रश्न थे, उनके लिए भी उन्होंने अच्छी खासी जवाब दिया है। और ये अभी तो खुद चाहते हैं कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए, उसके लिए जल्द से जल्द पैसा देना चाहते हैं। इसलिए आज हम लोग ने उनका अभिनंदन किया। सिडको MD का भी मैंने अभिनंदन किया कि नए साल आने में उन्होंने 8.5 एकड़ का भूखंड, आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने इतने कम पैसे में हमको दी है। आज कोविड में कितने हमारे अच्छे अच्छे लोग गुजर गए और आने वाली पीढ़ी बोलेगी आप 10-10 साल आमदार रहे, आपने क्या काम किया, हम क्या जवाब देंगे आने वाली नई पीढ़ी को। आने वाली पीढ़ी के लिए हमको ये भूखंड चाहिए, आने वाली पीढ़ी को हमको मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल देना। बताना जरूरी है कि विधायक मंदाताई मात्रे की लगातार मांग और पहल के बाद ही सिडको ने इस हॉस्पिटल के लिए बेलापुर में विशाल भूखंड मंजूर किया। हालांकि कुछ नेता इसे मुफ्त दिए जाने की मांग कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या यह भूखंड मनपा को मुफ्त मिलना चाहिए। इस सवाल के जवाब में विधायक मंदाताई मात्रे ने कहा कि बीते 20 वर्षों में जितने भी सामाजिक भूखंड आवंटित हुए हैं, महानगर पालिका ने सबके लिए सिडको को पैसे चुकाए हैं। हाल ही में साइंस पार्क के लिए 20 करोड़ रुपए भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि सिडको से मुफ्त भूखंड मिलने की न तो पॉलिसी है न ही कोई परंपरा है। ऐसे में फ्री भूखंड मांगना अच्छे काम में रोड़ा अटकाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। फ्री में देने के लिए पहली परंपरा, पहली शुरुआत होनी चाहिए। हमारे घर में जब हम कुछ चीज लेके आते तो पैसा देके लेके आते। हम किसी से फ्री में अगर लाएंगे तो दूसरा लोग भी फ्री। 15-20 साल किसी ने इधर फ्री में कुछ मांगा ही नहीं। अभी ये भूखंड मिलने के बाद सबको ऐसे हो गया, फ्री दो फ्री। पहले कोई फ्री देता था और सिडको में पैसा नहीं भरती थी पालिका, तो जरूर हमको फ्री मांगने के आज मौका मिलता था। आज हम फ्री नहीं, क्योंकि सिडको हमको खुद बोलती, कल हमने वाड़ी में फेंक सका 20-22 करोड़ लिया, तभी पालिका ने कैसे पैसा दिया। और छोड़ने के लिए तुमने पहली 15 साल से मांग क्यों नहीं की? अभी मैं मांग करके कुछ अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई अगर कुछ काम करने का तो पब्लिक माफ नहीं करेगी, ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।